नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर मोहन भाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बोटनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी पेपर फर्स्ट का सिलेबस इंट्रोडक्शन, की पेपर फर्स्ट में क्या क्या है। तो पेपर फर्स्ट है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। पेपर फर्स्ट में सवाल लाइकेन और ब्रायोफाइट्स को हम पढ़ेंगे। तो उसमें यूनिट फर्स्ट है जनरल करेक्टर्स ऑफ एल्गी। एल्गी के जनरल करेक्टर, जैसे एल्गी का प्लांट बॉडी जिसको थैलस होता है, जो रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होता, फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है एल्गी में, ऑटोट्रोप होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, इनके अलावा सेलवाल सेलोज की बनी होती है, ओरिजिनल फूड मटेरियल मोस्टली स्टार्च होता है, अलग अलग टाइप की स्टार्च होती हैं, और रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल तीनों टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेम्स एनिसोगेम्स ये सब टाइप के होते हैं। तो जनरल करेक्टर हैं एल्गी के, तो हमें एल्गी के जनरल करेक्टर देखने हैं। इसके बाद थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, कि थैलस किस टाइप का है, इसको रेंज ऑफ थैलस भी कहते हैं, रेंज ऑफ थैलस, क्योंकि कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होती हैं, यूनिसेलुलर से कुछ कॉलोनियल होते हैं, अलग अलग टाइप की कॉलोनी होती है, कुछ सिनोबियम होती हैं कॉलोनी, उसके बाद कुछ फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस वो भी अलग अलग टाइप के फिलामेंटस, उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के भी थैलस होते हैं। तो इसको बोलते हैं कि थैलस का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, रेंज ऑफ थैलस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्गी का। उसके बाद पिगमेंट्स, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स, क्लोरोफिल अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, उसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स भी होते हैं, कुछ फाइकोसाइनिन होते हैं, फाइको एरिथ्रीन भी होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स, कौन सी क्लास में कौन सा पिगमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल, अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइप के रिजर्व फूड मटेरियल हैं, ये हमें देखना है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन भी अलग अलग टाइप का है एल्गी में, तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव भी है जिसको काइक बोलते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल में आइसोगेमस टाइप का है, एनिसो एंड ओगेमस टाइप का। तो कौन से मेंबर में किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, कौन सा रिप्रोडक्शन है, ये हमें देखना है कि काइक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन भी आइसोगेमस टाइप का है, एनिसोगेमस टाइप का है, ओगेमस टाइप का है, ये अलग अलग टाइप हैं, ये हमें देखने हैं। इसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, हैप्लोंटिक है, डिप्लोंटिक है, हैप्लोबायोन्टिक है, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिल है, ये हमें देखना है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ फ्रिस क्लासिफिकेशन, हमें जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है उसमें हमें फ्रिस क्लासिफिकेशन देखना है। फ्रिस ने टोटल इन्हें 11 क्लासेज में डिवाइड किया कंप्लीट एल्गी को, ऑन द बेस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, पिगमेंट्स, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया। तो फ्रिस का क्लासिफिकेशन हमें देखना है। फ्रिस की बुक थी द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, फ्रिस को फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी भी कहते हैं, फाइकोलॉजी या इसी को बोलते हैं, द स्टडी ऑफ एल्गी दैट इज नोन एज फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। इसके बाद जनरल अकाउंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को बीजी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रिल एल्गी, नील हरित सवाल, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। जितने भी जो प्रोकैरियोटिक एल्गी हैं उन सभी को साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी क्लास में रखा हुआ है। उनका सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, ये हमें देखना है कि जनरल करेक्टर क्या हैं साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी के। और उसके बाद दो मेंबर हैं साइनोफाइसी के, एक तो ओसिलेटोरिया एंड नोस्टोक एंड ओसिलेटोरिया। तो उनका हमें सेल स्ट्रक्चर क्या है और रिप्रोडक्शन क्या है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी में दो मेंबर हैं, ओसिलेटोरिया एंड नोस्टोक में हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है, फिलामेंटस
एल्गी है, ओस्लिटोरिया भी फिलामेंटस हैं, तो हमें देखना है किस प्रकार की सेल का स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है। ये साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बैक्टीरिया के सिमिलर होते हैं लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है, इसलिए इनको एल्गी ग्रुप में रखा हुआ है। तो पहला क्लास साइनोबैक्टीरिया है, साइनोफाइसी। उसके बाद यूनिट सेकंड में क्या है, जनरल करेक्टर्स ऑफ क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइसी क्लास का हमें देखना है, जेंटोफाइटा का भी देखना है, और क्लोरोफाइटा में वोल्वोक्स है एंड उडोगोनियम है। एक, दो, तीन, चार, दो मेंबर साइनोफाइसी से, दो मेंबर क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा से, एक मेंबर जो कारा है कैरोफाइटा से, एक जेंटोफाइटा से, वाउचेरिया। तो ये सारे, इन्हीं का हमें सेल स्ट्रक्चर देखनी है, रिप्रोडक्शन देखना है, किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, कैसी लाइफ साइकिल है, ये हमें देखना है। तो क्लोरोफाइसी के जनरल करेक्टर, क्लोरोफाइसी को बोलते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली सिमिलर होते हैं प्लांट की तरह। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। हरित शैवाल होते हैं क्लोरोफाइटा, और कैरोफाइटा में कारा आता है। एडवांस टाइप की एल्गी है कारा, जिसमें ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और जेंटोफाइटा में वाउचेरिया जो एक सीनोसाइटिक एल्गी है, सीनोसाइटिक एल्गी इस प्रकार की एल्गी जिसमें किसी प्रकार के सेगमेंट नहीं हो, सीनोसाइटिक या सेंकोसिके। ये बेसिक दो यूनिट हैं एल्गी की, जिसमें जनरल करेक्टर्स, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, पिगमेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल्स, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, और उसके बाद क्लासिफिकेशन, फ्रेश का क्लासिफिकेशन। उसके बाद साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी का जनरल करेक्टर, उसके बाद ओसिलेटोरिया एंडोस्टोक के बारे में, उनका सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्लोरोफाइसी के जनरल करेक्टर और वोल्वोक्स उडोगोनियम का लाइफ साइकिल, उनका जनरल करेक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और उसके बाद कैरोफाइटा से कारा, जेंटोफाइटा से वाउचेरिया। ये यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड। उसके बाद यूनिट थर्ड है जनरल करेक्टर्स ऑफ यूनिट थर्ड है जनरल करेक्टर्स ऑफ फियोफाइटा, जिसको क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी या भूरे शैवाल बोलते हैं इनको, फियोफाइसी या फियोफाइटा। ब्राउन एल्गी है, स्पेशल पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन के कारण उन्हें ब्राउन कलर होता है। और इनका जनरल करेक्टर्स क्या है, और इसमें एक्टोकार्पस एक मेंबर है इनके, हमें मोर्फोलॉजी और इसका रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल देखना है। और रोडोफाइटा जिनको रेड एल्गी बोलते हैं, रेड एल्गी स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है आर फाइको एरिथ्रीन, क्या होता है, आर फाइको एरिथ्रीन, उनके कारण इनका कलर रेड होता है। और इसमें हम पॉलीसाइफोनिया को पढ़ेंगे, पॉलीसाइफोनिया का लाइफ साइकिल और उनकी मोर्फोलॉजी, और इसमें ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल होता है, अलग अलग तीन फेज होते हैं। तो भूरे शैवाल में हम एक्टोकार्पस, एंड जो लाल शैवाल है उसमें हम पॉलीसाइफोनिया को देखेंगे। भूरे शैवाल फ्यूकोजेंथिन स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है, उनके कारण का कलर भूरा होता है। मोस्टली जो ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी हैं वो मैराइन हैबिटेट में होते हैं, समुद्री जल जो खारा जल होता है, लवणीय जल होता है, उनमें उनका हैबिटेट होता है, उनका यहाँ पाए जाते हैं भूरे शैवाल और लाल शैवाल। तो ये फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के बारे में। उसके बाद लाइकेन, लाइकेन क्या है, एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एल्गी फंजाई का सिम्बायोसिस, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लाइकेन्स कहलाता है। इनके जनरल करेक्टर्स, हैबिटेट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट के बारे में, और उनका रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल सेक्सुअल तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन है वो देखना है, और पारमेलिया एस्निआ के स्पेशल रेफरेंस में। और इसके अलावा अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ क्रस्टोज लाइकेन होते हैं, कुछ फ्रूटिकोज, फोलियोज,
तीन अलग अलग टाइप के लाइकेन्स होते हैं, तो कौन सी क्लास में कौन सा लाइकेन आता है ये हमें देखना है। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ लाइकेन, लाइकेन का आर्थिक महत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोनाइजर एंड इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट इंडिकेटर, कुछ स्पेशल टाइप के लाइकेन्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के इंडिकेटर होते हैं, कुछ पोल्यूशन के प्रति इंडिकेटर होते हैं। और इसके अलावा स्पेशल टाइप की कैपेसिटी होती है कोलोनाइजर होते हैं, ये पायोनियर होते हैं इकोलॉजी में। हम जो पढ़ते हैं सक्सेशन अनुक्रमण, उसमें सबसे पहले अगर कोई प्लांट या प्लांट की कोई स्पीसीज किसी जगह पे आती है उसको पायोनियर बोलते हैं, कोलोनाइजर बोलते हैं। तो ये कैपेसिटी होती है लाइकेन में, तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है लाइकेन्स का। जनरल करेक्टर, हैबिटेट स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, एल्गल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जिसमें ये पायोनियर स्पीसीज का सक्सेशन में और इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये लाइकेन के बारे में। इसके अलावा यूनिट 4 है ब्रायोफाइटा के बारे में, जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। एल्गी के बाद फंजाई को हम पेपर सेकंड में देखेंगे, ब्रायोफाइटा को रखा गया। ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है, ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद, जिसमें गैमिट बनते हैं, सबसे बड़े गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा के होते हैं। उसके बाद पेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल हम देखें तो मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। तो ब्रायोफाइटा के मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, जिसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होते हैं। इस पे गैमिट बनते हैं और उनके फ्यूजन से जायगोट बनता है, और जायगोट के डेवलपमेंट से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, फुली डिपेंडेंट होता है, और इंडिपेंडेंट फेज नहीं होती। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे फुली डिपेंडेंट होता है, और स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है और यहाँ पे स्पोर बनते हैं। जो स्पोर बनते हैं उनके जर्मिनेशन से वापस गैमेटोफाइट अवस्था आती है। यहाँ पे स्पोर जो ब्रायोफाइट तक सभी स्पोर होमोस्पोर्स कंडीशन होती है, किसी प्रकार का माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जैसी कंडीशन नहीं होती। सारे स्पोर स्पोरोफाइट के अंदर जो कैप्स्यूल होता है उसके अंदर जो स्पोर होंगे सारे होमोस्पोर्स कंडीशन में होंगे, होमोस्पोर्स होंगे, सभी सेम होंगे, और उनके जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट पर फिर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया, और उनका निषेचन से जायगोट, और जायगोट से वापस स्पोरोफाइट, और ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइटा की, जिनमें मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है बीजाणुद्भिद वो गैमेटोफाइट पे फुली डिपेंडेंट होता है, अलग फेज नहीं होती, अलग प्रावस्था नहीं होती। तो ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइटा की। हमें जनरल करेक्टर्स देखने हैं, इसकी लाइफ साइकिल देखनी है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन थैलस का इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसीरोस, फैग्नम, फ्यूनेरिया तक जो थैलस है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, कौन सा सिंपल है, कौन सा एडवांस है, कौन सा प्रिमिटिव है, ये हमें देखना है। और स्पोरोगोनिया, स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा, मोर्फोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसीरोस एंड स्फैग्नम। टोटल 4 मेंबर हैं ब्रायोफाइटा से, जो हिपेटिकोप्सिडा, इस क्लास से 2 मेंबर हैं रिक्सिया एंड मार्केंसिया, और एंथोसीरोटोप्सिडा से एंथोसीरोस, एंड ब्रायोप्सिडा से स्फैग्नम। तो इनका हमें पूरा मोर्फोलॉजी देखना है, थैलस का स्ट्रक्चर टीएस ऑफ द थैलस, और लाइफ हिस्ट्री, लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसीरोस एंड स्फैग्नम। चारों मेंबर जो ब्रायोफाइटा के 4 मेंबर हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसीरोस, स्फैग्नम, उसका गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट में क्या क्या है, फूट सीटा कैप्सूल कंप्लीट हैं, किसी में
ओनली कैप्सूल है, किसी में पुटसीटा कैप्सूल, तीनों हैं। तो स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, लाइफ साइकिल, मोर्फोलॉजी और कौन कौन सी अलग अलग टाइप का इनका लाइफ साइकिल है और कौन कौन सी सेल्स कौन से में है, तो ये हमें पूरा देखना है। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की ब्रायोफाइटा का क्या आर्थिक महत्व है और कुछ बेसिक डिफरेंस एल्गी और ब्रायोफाइटा में क्या अंतर है, तो ये भी देख लेंगे कि कैसे एल्गी से एडवांस है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से कैसे थोड़ा प्रीमिटिव लेवल का है। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी का पेपर फर्स्ट है जिसमें हम एल्गी को देखेंगे, लाइकेन को देखेंगे और ब्रायोफाइटा को देखेंगे। एल्गी का जनरल करेक्टर के बाद एल्गी के मेंबर नोस्टोक, ओसिलेटोरिया, होलवॉक्स, ओडोगोनियम, कारा, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, पोलिसाइफोनिया, ये मेंबर हैं एल्गी के। ये दो साइनोफाइसी के, दो क्लोरोफाइसी, कारा कैरोफाइटा, वाउचेरिया जेंथोफाइटा, ये थियोफाइटा, रोडोफाइटा, ये मेंबर हैं एल्गी के। लाइकेन्स में हम जनरल करैक्टर्स, रिप्रोडक्शन, एल्गल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट और जो तीन टाइप के अलग अलग जो लाइकेन है, क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज, उनके बारे में देखेंगे। ब्रायोफाइटा में मैंने आपको बताया एक तो रिक्सिया, सेकंड मार्केंसिया, रिक्सिया मार्केंसिया, एंथोसिरोस एंड स्फैग्नम, चार मेंबर हैं ओनली। हमें ब्रायोफाइटा में क्या पढ़ना है, सबसे पहले ब्रायोफाइटा की जो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, उसका लाइफ साइकिल, जनरल करेक्टर, उसके बाद रिक्सिया मार्केंसिया एंथोसिरोस स्फैग्नम, चार मेंबर ब्रायोफाइटा से हैं और नोस्टोक, ओसिलेटोरिया, वोल्वोक्स, उडोगोनिया, कारा, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, पोलिसाइफोनिया, ये आठ मेंबर एल्गी से हैं। एल्गी का जनरल करेक्टर्स, कौन कौन से करेक्टर हैं, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और उनके बाद फिश का क्लासिफिकेशन और साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोफाइसी, कैरोफाइटा, जेंटोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो ये क्लास हैं जिनके बारे में हमें कंपेरेटिव स्टडी करनी है कि कौन क्लोरोफाइसी से रोडोफाइसी में क्या अंतर है, क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है और क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, फ्यूफाइसी चारों क्लास में क्या क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, क्या रिजर्व फूड मटेरियल है, कितने फ्लेजिला हैं और कौन कौन से पिगमेंट हैं और सेल वाल कंपोनेंट क्या है, ये सभी हमें कंपेरेटिवली स्टडी करनी है अलग अलग क्लास की। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी पेपर फर्स्ट है, एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। थैंक यू।